नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया 24/7 पर। इस वक्त मैं हूँ आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और मेरा प्रदेश लाइव लेकर हाजिर हूँ। इस वक्त तमाम बड़ी खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो खबर आप तक हम पहुंचाएंगे, आपको बताएं कि कश्मीर के अनंतनाग के अरवानी गांव में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है और इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान जख्मी हो गए। दरअसल आतंकी एक घर में छुपे हुए हैं और फायरिंग कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक इस घर में 3 आतंकवादी छुपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। खालिद हुसैन हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। खालिद, जानना चाहेंगे ताजा इस वक्त की गतिविधि क्या है। देखिए, इस वक्त अंधेरा होने के कारण उस पूरे इलाके को कॉटन में ले लिया गया है। कुछ देर पहले वहाँ एक सूचना के अनुसार कि वहाँ आतंकी छुपे हुए हैं, जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था सेना जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से, और जैसे ही कॉटन किया गया तो आतंकियों ने जो छुपे हुए थे उन्हें हथगोला फेंका, जिसमें सीआरपीएफ के जवान घायल हुए और उसके बाद वो एक मकान में छुपे हुए हैं। जैसी सूचना मिल रही है उस मकान को घेरे में ले लिया गया है। कुछ फायर के शॉट्स भी हुए हैं, एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है वहाँ पर, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उस पूरे इलाके को कॉटन किया गया है और पूरी तरह से घेरे में लेते हुए आप शायद जो ऑपरेशन है वो सुबह तड़के फिर शुरू होगा, लेकिन फिलहाल कॉटन है और माना जा रहा है कि आतंकी कॉटन में फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया खालिद इस जानकारी के लिए। उधर दिल्ली में आज भी हड़ताल और धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में तो सबको पता है, लेकिन आपको बताते हैं कि दिल्ली में जीआईसी के कर्मचारी भी धरना प्रदर्शन उन्होंने किया है। जीआईसी के कर्मचारियों को पिछले 10 महीने से वेतन नहीं मिला है और जीआईसी के कर्मचारी दिल्ली सचिवालय के सामने उन्होंने धरना दिया। आज दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने सड़क पर भीख मांगकर अपना विरोध जाहिर किया। जीआईसी कर्मचारियों का कहना है कि कांग्रेस सरकार में इसका गठन हुआ था, इसलिए केजरीवाल सरकार उनके साथ सौतेला बर्ताव कर रही है। दिल्ली सचिवालय पर धरना दे रहे कर्मचारियों से बातचीत की इंडिया 24/7 संवाददाता अनुराग चड्ढा। लगातार दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है और इस धरने प्रदर्शन की कड़ी में आज जो जीआरसी के जो कर्मचारी हैं और जो वहां पर काम करते हैं उन लोगों ने सचिवालय के बाहर धरना देना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो जीआरसी के में काम करने वाले लोग हैं वो दिल्ली सचिवालय के बाहर बैठे हैं और केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। दरअसल जो जीआरसी एक संस्था है, ये कांग्रेस के टाइम में इसका गठन हुआ था और कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि कांग्रेस ने इस संस्था का गठन किया था, तो इसलिए अब जीआरसी पर उनका ध्यान नहीं है। जो इनकी पेमेंट है वो नहीं मिल रही है, तमाम तरह के भत्ते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। 10 महीने हो चुके हैं, 10 महीनों से इनकी पेमेंट नहीं मिली है। कई बार ये लेटर दे चुके हैं दिल्ली सरकार को, लेकिन कोई इनकी सुनने को तैयार नहीं है। ये आप मुझे बताइए कि आज आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन है इसके तहत आप लोगों की मांग क्या है? मांग हमारी सीधे से पहले नंबर पे है कि जो 10 महीने से पिछली सैलरी नहीं मिली है वो दें, वो पहला काम ये करें। फिर दूसरा ये है कि आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आम आदमी से, जो ग्रास रूट लेवल पे हम लोग जुड़ते हैं और हम लोग बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले जब से जीआरसी चालू हुई है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। वजह क्या बता रहे हैं? मैं आपको बता दूं, ऐसा है कि अभी अखबारों में निकला था 2000, आज 10 साल हो गए, स्त्री शक्ति केंद्र बस्तियों में काम कर रहे हैं, 130 केंद्र पूरी दिल्ली में चल रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं ये बीजेपी, ये इसका कांग्रेस सरकार का प्रोजेक्ट था, इसलिए इनका कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। दिल्ली सरकार आप लोग साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, उसके बाद आप लोग की मांगे क्या हैं? क्या आप कहना चाहते हैं? हम लोग यही मांग उनसे करना चाह रहे हैं कि जब आप आए थे आपने यही कहा था कि आप हर इंसान के लिए भाईचारे का आपका व्यवहार है, पर आज जिस तरह से 10 महीने से लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और जीआरसी में अधिकतर महिलाएं काम कर रही है और आज उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। इससे पहले आप लोग मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री से? मिल चुके हैं जी, हाँ मिल चुके हैं, सबसे सबने हाथ खड़े कर दिए हैं, आज तक हमारी किसी ने कोई हेल्प नहीं की। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए जीआरसी का एक गठन किया था और इसके तहत उन लोगों को मदद दी जाती है जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो जीआरसी को खत्म करना चाहती है और 10 महीनों से इनकी तनख्वाह भी उन्होंने नहीं दी है और इस बात को लेकर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, सिसोदिया मनीष सिसोदिया से भी मिल चुके हैं जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, और एलजी से ये लोग इसलिए नहीं मिलना चाहते क्योंकि अगर एलजी से ये लोग मिलेंगे तो कहीं ना कहीं मामला इनका और उलझ जाएगा क्योंकि उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई चल रही है। दिल्ली से कैमरामैन अजय शर्मा के साथ अनुराग चड्ढा, इंडिया 24/7। और यूपी के इलाहाबाद में पानी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। शहर में करीब 1000 जलकर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे कई इलाकों में जल संकट गहरा गया है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों के पास सीवर प्रबंधन की जिम्मेदारी भी है और जिसके चलते शहर में
सीवर व्यवस्था को लेकर भी बड़ा संकट पैदा हो गया है। मामले में कर्मचारी जहां काम पर वापस आने को तैयार नहीं है, दरअसल अपने दो साथियों पर विभागीय कार्रवाई के बाद कर्मचारी हड़ताल पर उतरे हैं। तो जल कर्मियों की हड़ताल से जल संकट गहरा सकता है इलाहाबाद में। दो यूनियन है, दोनों यूनियन के पदाधिकारी महाप्रबंधक महोदय उनके अधिकारियों से बातचीत करने गए थे और उन्होंने कहा कि ये मांगे आपकी हम पूरी नहीं कर सकते। उनके साथ अपन व्यवहार किया, उनको सस्पेंड कर दिया, उनके खिलाफ थाना खुल्लाबाद में FIR दर्ज करा दिया। हमारी मांग है ACP कर्मचारियों को दिया जाए, अधिकारी महोदय यहाँ पे आते नहीं है, 35 फाइल अभी भी पड़ी भई लंबित। सारे खर्च जल संस्थान टैक्स रिकवरी से करता है, तो जितना हमारे पास वसूली हो पाती है उसी के अंतर्गत भुगतान किया जाता है। जो लंबित है अब आगे वसूली बढ़ेगी तो उसका भी निराकरण किया जाएगा। और मौसम की बेरुखी ने पहाड़ के काश्तकारों को निराश कर दिया है, जहां हालात ये हैं कि पहाड़ के कई इलाके सूखे की चपेट में हैं और फलों और सब्जियों से भरे रहने वाली जमीन सूखी नजर आ रही है। खासकर रबी की फसल बोने वाले किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर सब्जियों और फलों का उत्पादन होता है, लेकिन मौसम की बेरुखी के चलते यहाँ कई इलाके सूखे में तब्दील हो चुके हैं। खासकर रबी की फसल पूरी तरह बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। मौसम के बिगड़े मिजाज ने काश्तकारों को मायूस कर दिया है। सितंबर से बारिश जो है अभी तक ना के बराबर हुई है और ये स्थिति रही अगर और 8-10 दिन तो हमारे काफी क्रॉप का नुकसान होगा। जो अभी स्थिति चल रही है उसमें जो सिंचाई वाली चार क्षेत्र है अब वहाँ पर भी हमारा थोड़ा थोड़ा प्रभाव आने लगा है, क्योंकि अब जो गदेरों में पानी था, नदी नालों में जो पानी था वो उसमें कमी आ गई है, जिससे कि वहाँ पर जो सिंचाई का साधन गूल और नहर थी उनमें भी पानी की कमी। अब दरअसल पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी औसत से कम हुई है, जिसने सूखे जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। आलम यह है कि कई इलाकों में पानी का संकट भी पैदा होने लगा है, यहाँ तक कि सिंचित क्षेत्रों में भी पानी की समस्या ने दस्तक दे दी है, जिसने प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ा दी है। मुंशियारी और धारचूला क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर या कहीं कहीं या 1 फीट तक बर्फबारी जरूर हुई, लेकिन जो निचला इलाका है गंगोलीहाट, बेड़ीनाथ, पिथौरागढ़, डीटीहाट, यहाँ पर अभी सेक्टर अत्यंत कम वर्षा हुई। दरअसल पहाड़ों पर ज्यादातर खेती बारिश पर ही निर्भर है, ऐसे में मौसम के इस बदलाव का असर सब्जियों के साथ साथ फलों के उत्पादन पर भी पड़ रहा है। ऐसे में इनकी कीमतों पर भारी उछाल आ सकता है, जिससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ना तय है। पिथौरागढ़ से कोमल मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और अगली खबर भी उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, जहां आखिरकार 25 सालों के बाद फाइलों में सिमटी संजय झील के अस्तित्व में आने की उम्मीद बनने लगी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऋषिकेश संजय झील के निर्माण के लिए आदेश दे दिए हैं। ऋषिकेश की रंभा नदी का अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश अब कामयाब होती दिख रही है। 25 साल बाद प्रशासन और सरकार को इसे संवारने की सूझी है। CM हरीश रावत ने एक बार फिर संजय झील के निर्माण में दिलचस्पी दिखाई है, जिसके बाद से यहां पर्यटन और रोजगार की नई उम्मीदें जगी हैं। उसको करेंगे, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसका पालन अवश्य होगा। इसके बनने से ऋषिकेश में टूरिस्ट आएंगे और स्थानीय लोगों को के लिए एक अट्रैक्शन और घूमने का भी एक अच्छा स्थान बनेगा। वैसे तो रंभा नदी पर झील बनाने की मांग बरसों पुरानी है, कई बार घोषणाएं भी हुई हैं, लेकिन चुनावी वादों के बीच ये घोषणा हकीकत का रूप नहीं ले पाई। सिंचाई विभाग के सिविल डिवीजन की ओर से 2009-10 और 2011-12 के बीच करीब 6 करोड़ का प्रस्ताव बनकर तत्काल सरकार को भेजा गया। इतना ही नहीं, विभाग से पहले भी कई दफा प्रस्ताव मंगाए गए लेकिन मंजूरी नहीं मिली। लेकिन इस बार सरकार पक्के इरादे के साथ रंभा नदी के विकास को लेकर कदम उठा रही है। सुनता हूँ पहले से भाई, लेकिन अभी एक तो बनी नहीं है, बन जाएगी तो बढ़िया लगेगा सबको, टूरिस्ट भी आएगा, घूमने के लिए आएगा, सभी आएंगे, गंदगी भी साफ रहेगी। यहाँ बहुत गंदगी है, ये गंदगी अगर साफ हो जाए तो नहाने धोने वाले के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी, अगर ये झील बन जाती है तो। ताज़ा हालात बता रहे हैं कि रंभा नदी किस कदर दूषित हो चुकी है, लिहाजा संजय झील का निर्माण रंभा के लिए जीवनदायक साबित होगा। सबसे ज्यादा फायदा स्थानीय लोगों को पहुँचेगा।
एक तरफ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो दूसरी ओर रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा होंगे। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया 24/7। और देश विदेश से आने वाले सैलानी अब बेफिक्र होकर नैनीताल की हसीन वादियों का दीदार कर सकेंगे और पर्यटन से जुड़ी जानकारियां उन्हें ऑनलाइन मिल सकेंगी। जी हां, दरअसल पर्यटन कारोबारियों को अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य होगा। इस पर रिपोर्ट। सरोवर नगरी नैनीताल का अपना आकर्षण है। यहाँ की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में देश विदेश से सैलानी सुकून के पल बिताने यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन कई बार यहाँ आने वाले सैलानियों को सटीक जानकारी ना होने के चलते काफी दिक्कतें पेश आती हैं। लेकिन अब सैलानियों को इन दिक्कतों से सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल पर्यटन कारोबारियों को अब ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, यानी सैलानियों को सही जानकारी ऑनलाइन मिल जाएगी। जो होटल, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस और ये ट्रैवल एजेंसी वगैरह जितने भी पर्यटन से संबंधित व्यवसाय जो भी व्यक्ति कर रहा है उसको अब पर्यटन विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। और ये पंजीकरण की प्रक्रिया जो है ऑनलाइन प्रारंभ हो चुकी है। पंजीकृत हैं कितने होटल, पंजीकृत हैं है? और कितनी ट्रैवल एजेंसी हैं, जिससे कि इसकी सही संख्या पर्यटन विभाग में ज्ञात रहेगी और किसी प्रकार की पर्यटकों के संग धोखाधड़ी भी नहीं होगी। www.uktourism.gov.in के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वेबसाइट पर पर्यटन कारोबार से जुड़ी कई अहम जानकारियां मौजूद होंगी, जिसमें रेट लिस्ट से लेकर सारी जानकारी उपलब्ध होगी। अगर कोई होटल, सराय या ट्रेवल एजेंसियां बिना पंजीकरण के संचालित होती हैं, तो उन पर 10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। रेट लिस्ट जो ये टैरिफ हैं वो भी निर्धारित होंगे कि जो वो अपने टैरिफ हमको देगा वही वो पर्यटकों से भी वसूल करेगा। जो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है ये प्रथम बार हो रहा है। अनरजिस्टर्ड गेस्ट हाउस वगैरह हैं, इनसे वैसे भी नुकसान होता है, काफी रेवेन्यू का भी होता है और अदरवाइज भी नुकसान काफी होता है। तो काफी अच्छा स्टेप है, आदमी कन्वीनियंस है, इसमें ऑनलाइन रजिस्टर कर ले अपने को, तो वो तो बहुत अच्छा है कि होटल इंडस्ट्री क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी इससे, क्योंकि आदमी को पता है जहां भी वो जा रहा है जितने एस्टेब्लिशमेंट से रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड कोई भी नहीं है। इस ऑनलाइन पंजीकरण में सभी होटलों, सरायों, रेस्टोरेंट्स, ट्रेवल एजेंसियों को अपनी रेट लिस्ट जारी करनी होगी, साथ ही पूरे टैरिफ की भी जानकारी देनी होगी। ऐसे में उम्मीद है कि इस कदम से पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी, साथ ही पर्यटन कारोबार में तेजी भी आएगी। नैनीताल से राजू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया 24/7। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कुपोषित बच्चों के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं। एक तरफ जहां वाराणसी में सिर्फ विकास की बात हो रही है, वहीं इस जनपद में 4 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषित हैं और उनमें से 19,000 अति कुपोषित हैं, जो कि बेहद गंभीर मामला है। काशी पर कुपोषण का साया मंडरा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से कुपोषित बच्चों के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं। एक तरफ जहां वाराणसी में चौतरफा विकास की बात की जा रही है, वहीं इस जनपद में 4 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषित हैं और उनमें से भी 19,000 बच्चे अति कुपोषित हैं। और अब जब इतने बड़े पैमाने पर बात सामने आई है तो शासन अब इन्हें सुविधा देने की बात कर रही है। कुपोषण से बाहर लेके एक हेल्थी स्टेट ऑफ लाइफ में पहुंचाने के लिए जो प्रयास है मेडिकल कैंप के माध्यम से हम करा रहे हैं। एक पोषण पुनर्वास केंद्र भी है, NRC जो कहते हैं उसको। NRC में भी हमारे पास अभी 10 बच्चों को एडमिट कराने का कैपेसिटी है, विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 बेड्स। वाराणसी का दिल दहला देने वाला ये आंकड़ा किसी गैर सरकारी संस्था का नहीं बल्कि राज्य सरकार का है। विभाग की ओर से दिसंबर 2015 में नगर क्षेत्र समेत ग्रामीण इलाकों के 8 विकास खंड का सर्वे किया गया था। उसमें नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में 5 वर्ष तक के 3,79,276 बच्चों का वजन मापने के बाद जो आंकड़ा कागजों पर आया वो भयावह निकला। हमारे कुपोषित बच्चे लगभग 4 लाख के आसपास हैं, उसमें से लगभग 6% अति कुपोषित की श्रेणी में आ गए थे। तो इन आइडेंटिफाइड बच्चों को हमने ऑनलाइन एक डेटाबेस में फीड कराया, उनका क्या है नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और उनका वजन,
एट द टाइम ऑफ वेइंग, ये क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स हमने ऑनलाइन डेटाबेस क्रिएट किया। और वाराणसी के जिला अस्पताल की तस्वीर ये है कि जहां पोषण पुनर्वास केंद्र में मात्र 10 बच्चे ही भर्ती किए गए हैं। यहां के फूड डिवीजन के नर्स का कहना है कि बच्चे आते तो हैं, पर लोग उन्हें यहां से लेकर चले जाते हैं। जब तक पोषण सप्ताह चलता है तब तक ही सभी आते हैं, फिर कोई नहीं आता। वहीं कुपोषित बच्चों को यहां लेकर आए बच्चों के माता पिता का कहना है कि हमारे पास खाने पीने की बहुत तकलीफ है, ऐसे बोल नहीं पा रहा है, सही से चल नहीं पा रहा है, चलता है तो बहुत हिल हिल के ऐसे ऐसे मुड़ी हिला रहा था, खाने पीने की दिक्कत रहती है। वजन भी कम है बच्चे का? वजन 8 किलो 400 ग्राम है। सवाल ये भी है कि आखिर कैसे काशी का एक बड़ा हिस्सा कुपोषण की गिरफ्त में आया और लापरवाही कहाँ हुई। वाराणसी से रवि कुमार की रिपोर्ट, इंडिया 24/7।